हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 7 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया था आपको। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक गैस अभिक्रिया के लिए केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 4 एक्टिव मास ऑफ O2 पावर 5 अपान एक्टिव मास ऑफ NO पावर 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O पावर 6 है। तो इस व्यंजक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह केसी का मान दिया हुआ है, इसके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। देखें ध्यान से कैसे लिखेंगे। तो यह जो प्रश्न है उसमें केसी का मान यह दिया हुआ है, इस आधार पे हम समीकरण को लिखेंगे। केसी बराबर ये आपका उत्पाद बटे अभिकारक है, उत्पाद बटे अभिकारक होता है। तो यह आपका अभिकारक है, पावर फोर है तो इसके लिए फोर एन ओ, H2O पावर 6 है तो इसके लिए लिखेंगे आप +6 H2O, उत्क्रमणी 4 NH3 और 5 O2। ठीक है, तो केसी के अनुसार जो है आपने समीकरण लिख लिया। अब देखेंगे कि यह समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं इधर 4 NO, 4 नाइट्रोजन है, इधर 4 नाइट्रोजन है, तो इधर भी आप देखें 4 नाइट्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 10 ऑक्सीजन इधर देखते हैं। ठीक है, 5 × 2 = 10 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं, 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन है, इधर देखें 4 × 3 = 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो अतः यह समीकरण जो है आपका संतुलित समीकरण है। 4NO +6H2O उत्क्रमणी 4NH3 +5O2 यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। H2O का एक मोल एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल 725 केल्विन ताप पर 10 लीटर के पात्र में लिए जाते हैं, साम्य पर 40% जल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करता है, H2O गैस +CO गैस उत्क्रमणी H2 गैस +CO2 गैस। अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया के लिए आपको साम स्थिरांक निकालना है, केसी का मान निकालना है कितना होगा। इसमें जो है आयतन दिया है 10 लीटर और जल जो है 40% अभिक्रिया कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 40% जब जल है, बचेगा जो वह 60% ही होगा। ठीक है, तो इस आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 का यह समीकरण दिया हुआ था, H2O गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्क्रमणी H2 गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। H2O के प्रारंभिक मोलों की संख्या, तो प्रश्न में H2O के प्रारंभिक मोल जो हैं एक मोल दिए हुए हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2O गैस के मोलों की संख्या, तो प्रश्न में दिया है 40% अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2O के मोलों की संख्या 40%, तो एक का 40%, तो 1 × 40/100 अर्थात 0.4 मोल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.4 मोल होगी। H2O के शेष मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शेष मोलों की संख्या 1 − 0.4 अर्थात 0.6 मोल। ठीक है, तो यह हो गए H2O के शेष मोलों की संख्या 0.6 मोल। दी गई समीकरण से, यह जो समीकरण दिया गया है इससे स्पष्ट है कि H2O का 0.4 मोल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.4 मोल से अभिक्रिया करेगा, जिससे हाइड्रोजन का 0.4 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4 मोल बनेगा।
समीकरण के अनुसार H2O के 0.4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.4 मोल से अभिक्रिया करेंगे और डाई हाइड्रोजन के 0.4 मोल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 0.4 मोल बनाएंगे। ठीक, अब जो है साम्यावस्था पर इनकी मोलर सांद्रता क्या होगी, तो देखें ध्यान से, इनकी मोलर सांद्रता साम्यावस्था पर H2O की मोलर सांद्रता बराबर 1-0.4/10। ठीक है, 10 आयतन है आपका, आयतन 10 लीटर दिया हुआ था, तो H2O की मोलर सांद्रता 1-0.4/10 यह हो जाएगा आपका 0.6/10, 0.06 मोल पर लीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर सांद्रता 1-0.4/10, 0.6/10, 0.06 मोल पर लीटर। डाई हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता 0.4/10, 0.04 मोल पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर सांद्रता 0.4/10, 0.04 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यह जो है सांद्रता निकल गई, मोलर सांद्रता सबका निकल गया। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, जिससे केसी का मान लिखेंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार केसी बराबर क्या हो जाएगा, तो समीकरण के अनुसार आप लिखेंगे केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ CO2 गैस अपान एक्टिव मास ऑफ H2O गैस इंटू एक्टिव मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अब मोलर सांद्रता सबका निकाल चुके हैं आप, मान रखें H2 का मोलर सांद्रता 0.04, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर सांद्रता 0.04, H2O का मोलर सांद्रता 0.06, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर सांद्रता 0.06। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो साम स्थिरांक केसी का मान आएगा 0.444। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा 0.444, जो कि साम स्थिरांक केसी का मान होगा। तो दिए गए सूचना के आधार पर आपने क्वेश्चन 14 को सॉल्व किया, इसमें समीकरण दिया गया था। ठीक है, और H2O के प्रारंभिक मोल दिए गए थे, 1 मोल है, और यह कहा गया था कि इसका 40% अभिक्रिया कर रहा है। उस आधार पर आपने लिखा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2O के मोल की संख्या 40% है, अतः प्रारंभिक मोल 1 है, अभिक्रिया में 40% भाग ले रहा है, तो 1 का 40% कितना होगा, तो 1×40/100 अर्थात 0.4 मोल। ठीक है, तो H2O के शेष मोल कितने होंगे, तो 1-0.4 अर्थात 0.06 मोल होगा। ठीक, तो अब आपने कहा कि दी गई समीकरण से स्पष्ट है कि H2O का जो है 0.4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.4 मोल से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन का 0.4 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4 मोल बनाएगा। अतः साम्यावस्था पर सबका जो है मोलर सांद्रता आपने निकाला, H2O का मोलर सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन का मोलर सांद्रता और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर सांद्रता। उसके बाद द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम अनुसार केसी का मान लिखा और वैल्यू रख के आपने आंसर निकाला। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 700 केल्विन ताप पर अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणी 2HI गैस के लिए साम स्थिरांक 54.8 है। यदि हमने शुरू में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस लिया हो, 700 केल्विन ताप पर साम स्थापित हो तथा साम्य पर 0.5 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस उपस्थित हो, तो साम्य पर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की सांद्रता निकालनी है, कितनी होगी। साम स्थिरांक का मान, केसी का मान यहाँ पे दिया गया है 54.8, और यह आपका समीकरण दिया गया है H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणी 2HI गैस। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखें ध्यान से, यह आपका समीकरण दिया हुआ है H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणीय 2HI गैस, इसके लिए केसी बराबर हो जाएगा आपका एक्टिव मास ऑफ HI पे पावर 2 अपान एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। केसी का मान प्रश्न में 54.8 दिया हुआ है, यह समीकरण नंबर 1 हो गया।
ठीक है। अब अभिक्रिया को उत्क्रमणीय करते हैं, बैकवर्ड साइड से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 2HI गैस लगभग बराबर होगा आपका H2 गैस प्लस I2 गैस के लिए। इसके लिए साम स्थिरांक KC डैश बराबर F2 मास ऑफ H2 इंटू F2 मास ऑफ I2 अपान F2 मास ऑफ HI की पावर 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो KC डैश का मान निकालना है आपको, पहले KC डैश का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करेंगे तो KC डैश बराबर हो जाएगा 1/KC, ठीक है। KC डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/KC, तो 1/KC, KC का मान 54.8, इसको आप सॉल्व करेंगे तो KC डैश बराबर आ जाएगा 1.28 × 10^2, ठीक है। डाई हाइड्रोजन तथा डाई नाइट्रोजन के मोलों की संख्या समान है, अतः इनकी सांद्रताएं भी साम्यावस्था पर समान होंगी, ठीक है। डाई हाइड्रोजन तथा डाई नाइट्रोजन के मोलों की संख्या समान है, अतः इनकी सांद्रताएं भी जो हैं साम्यावस्था पर क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात एक्टिव मास ऑफ H2 बराबर एक्टिव मास ऑफ I2 बराबर एक्स मोल पर लीटर, मान लेते हैं एक्स मोल पर लीटर है। तो एक्टिव मास ऑफ HI बराबर 10.5 मोल पर लीटर, 10.5 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता और आयोडीन की मोलर सांद्रता एक्स मोल पर लीटर है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता जो है 10.5 मोल पर लीटर। तो प्रश्न में यह हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता यह प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता जो है वह 10.5 मोल पर लीटर है, ठीक है। के का मान, के बराबर H2 मास ऑफ H2 गैस इंटू I2 गैस अपान HI गैस का स्क्वायर, मान रख दें सब। तो जब आप मान रखेंगे तो आप जो है 1.82 × 10^2, ठीक है, ये आपका मान निकला हुआ है। स्टूडेंट्स KC डैश का जो मान आएगा वह 1.82 × 10^2 आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन मोलों की संख्या समान है, अतः इनकी सांद्रताएं जो हैं साम्यावस्था पर समान होंगी। हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर सांद्रताएं मान लेते हैं एक्स मोल पर लीटर है। हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रताएं प्रश्न में दिया हुआ है 10.5 मोल पर लीटर, आप देख सकते हैं यह दिया हुआ है साम्य पर 10.5 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित है, ठीक है। यह दिया हुआ है, अब हम लिखते हैं K का मान। तो K बराबर मोलर सांद्रता हाइड्रोजन का इंटू मोलर सांद्रता आयोडीन का बटे मोलर सांद्रता हाइड्रोजन आयोडाइड का, मान रखें K का मान 1.82 × 10^2 बराबर हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता x, आयोडीन की मोलर सांद्रता x और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता 10.5 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 1.82 × 10^2 × 10.5 का स्क्वायर / 1/2, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप अंडर रूट लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.068 मोल पर लीटर। तो साम्यावस्था पर हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता जो आयोडीन की मोलर सांद्रता के बराबर होगी, जिसका मान आएगा 0.068 मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ICL जिसकी सांद्रता प्रारंभ में 0.78 मोलर है को यदि साम्य पर आने दिया जाए तो प्रत्येक की साम पर सांद्रताएं क्या होंगी। समीकरण दिया हुआ है 2ICL गैस उत्क्रमणी I2 गैस प्लस Cl2 गैस KC बराबर 0.14। तो इसके लिए आपको इसमें निकालना है कि प्रत्येक की साम पर सांद्रता निकालना है, ठीक है। सांद्रता का मान यहाँ निकालना है, कैसे निकालेंगे देखें ध्यान से। यह आपका समीकरण दिया हुआ है 2ICL गैस उत्क्रमणी I2 गैस प्लस Cl2 गैस, KC का मान दिया हुआ है 0.14। मान लेते हैं साम्यावस्था पर
आयोडीन की मोलर सांद्रता जो कि बराबर होगी क्लोरीन के मोलर सांद्रता के, और जो मान लेते हैं यह कितना है, एक्स मोल पर लीटर है। समीकरण आपका 2ICl गैस उत्क्रमणीय I2 गैस प्लस Cl2 गैस, प्रारंभिक सांद्रता 0.78 मोलर, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 0.78 मोलर है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, 0.78 मोलर है। तो प्रारंभिक सांद्रता जो है वह है आपका 0.78 मोलर। उस समय आयोडीन की सांद्रता 0 होगी और क्लोरीन की सांद्रता 0 होगी। साम्य सांद्रता, साम्य सांद्रता जो है आयोडीन और क्लोरीन का XX है, तो 2ICl का 2X हो जाएगा, ठीक है। तो साम्य सांद्रता हो जाएगी 0.78 माइनस 2X। ICl की साम्य सांद्रता हो जाएगी 0.78 माइनस 2X और I2 की X, Cl2 की X। Kc बराबर क्या होगा, तो Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ I2 गैस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 गैस अपान एक्टिव मास ऑफ ICl गैस का स्क्वायर। मान रख दें Kc का मान प्रश्न में दिया हुआ है 0.14, I2 का X इंटू X अपान ICl का 0.78 माइनस 2X का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, X का X स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करने पे जो है X बराबर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट करेंगे तो यह स्क्वायर है, तो यह बाहर हो जाएगा अंडर रूट होने के बाद 0.78 माइनस 2X, और यह आपका अंडर रूट में ही रह जाएगा। 0.14 का अंडर रूट 0.374 होगा, और यह आपका 0.78 माइनस 2X, ठीक है। सॉल्व करेंगे, X बराबर होगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जिससे 0.292 माइनस 0.748 X, ठीक है। तो X बराबर इस पक्ष को इधर लाएंगे तो यह आके इधर X में ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद आपका हो जाएगा 0.7848 X बराबर 0.292, तो X बराबर 0.292 बटा 1.748 डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा आपका 0.167। तो X का मान निकलेगा 0.167। तो ICl की मोलर सांद्रता बराबर 0.48 माइनस 2X, 0.78 माइनस 2X, मान रख दीजिए X का, तो बराबर 0.78 माइनस 2X का मान 0.167, दो से मल्टीप्लाई करने के 0.78 से माइनस करेंगे, जिससे ICl की मोलर सांद्रता निकलेगी 0.446 मोलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जाएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, नीचे दर्शाए गए साम्य में 899 केल्विन पर केपी का मान 0.04 एटमॉस्फियर है, C2H6 की साम्य सांद्रता क्या होगी, यह आपको निकालना है। देखें समीकरण क्या दिया हुआ है, चार एटमॉस्फियर दाब पर C2H6 को एक फ्लास्क में रखा गया है, साम्यावस्था आने दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सांद्रता बताना है, C2H6 गैस उत्क्रमणी C2H4 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि साम्य पर केपी का मान 0.04 एटमॉस्फियर है, C2H6 की साम्य सांद्रता ज्ञात करना है, C2H6 की साम्य सांद्रता ज्ञात करना है, और समीकरण दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, माना साम्यावस्था स्थापित होने तक C2H6 का आंशिक दाब में P वायुमंडल की कमी आती है, माना साम्यावस्था स्थापित होने तक C2H6 अर्थात एथेन के आंशिक दाब में P वायुमंडल की कमी आती है। समीकरण जो दिया है, C2H6 गैस उत्क्रमणी C2H4 गैस प्लस H2 गैस, प्रारंभिक दाब क्या होगा, तो प्रारंभ में दाब जो है आपका 4 वायुमंडल,
फोर एटीएम प्रश्न में दिया हुआ है, उस समय जीरो और जीरो हो जाएगा इनका। साम्यावस्था पर दाब कितना होगा, तो साम्यावस्था पर दाब जो होगा वह फोर माइनस पी और इसका आपका पी और पी हो जाएगा। द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से केपी बराबर होगा आपका आंशिक दाब पी सी टू एच फोर इंटू पी एच टू अपान आंशिक दाब पी सी टू एच सिक्स। या केपी लिखेंगे इस समीकरण के लिए, आंशिक दाब पी सी टू एच फोर इंटू आंशिक दाब पी एच टू अपान आंशिक दाब पी सी टू एच फोर। मान रखें केपी बराबर पी इंटू पी अपान फोर माइनस पी, यह मान हो गया आपका। यह केपी का मान दिया हुआ है प्रश्न में 0.04 और पी 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 स्क्वायर हो गया आप 4 माइनस पी। ठीक है, तो यह हो गया आपका केपी का मान प्रश्न के अनुसार 0.04 बराबर पी स्क्वायर बटे 4 माइनस पी। अब जो है त्रिया गुणा करेंगे, यह पी स्क्वायर बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा आपका 0.16 माइनस 0.04 पी। 4 माइनस पी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.16 माइनस 0.04 पी हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस 0.04 पी माइनस, ठीक है, 0.16, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस इसको इस पक्ष में ले जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस 0.04 पी माइनस 0.16 बराबर 0। अब यह जो है द्विघात समीकरण हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, पी बराबर क्या होगा, ठीक है, तो पी बराबर जो होगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से सॉल्व करेंगे, जिससे पी का मान जो है आपका धनात्मक लेने पर पी बराबर हो जाएगा 0.40, पी बराबर 0.80/2 अर्थात 0.40 हो जाएगा। एथेन की सांद्रता कितनी होगी, तो 4 माइनस पी, तो 4 माइनस पी, पी का मान 0.4, 4 से माइनस करेंगे, यह हो जाएगा आपका 3.6 वायुमंडल। ठीक है, तो एथेन की मोलर सांद्रता जो होगी वह हो जाएगी 3.6 वायुमंडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप देख रहे हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से सॉल्व किया गया है, पी का धनात्मक मान लिया गया है जिससे कि पी का मान 0.4 आया है, और एथेन की मोलर सांद्रता 4 माइनस पी, पी का मान रख दिए हैं 4 माइनस 0.4, यह हो गया आपका 3.60 वायुमंडल। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।